हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसडी किचन एंड इजी लाइफ। आज मैं बहुत ही यूनिक हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे हम हर त्यौहार पे बनाते हैं, बेसन के लड्डू, जिसे बनाने में मैंने एक बूंद भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही चीनी का। तो इसलिए ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बनाना बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपके भी लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा ये लड्डू बनके तैयार हुआ है। बहुत ही हेल्दी लड्डू है, तो इसे आप भी त्यौहार पे ज़रूर बनाइएगा। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन। बेसन यहाँ पे हमें थोड़ा दरदरा वाला लेना है, जो मोटा वाला बेसन आता है लड्डू के लिए, वही बेसन लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली जो हम घर में बेसन यूज़ करते हैं उससे भी आप लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। तो बेसन भूनते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे हमें बेसन को भूनना है। बेसन को हमें लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे, जब तक कि बेसन का कलर चेंज ना होने लगे और बेसन में से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ बेसन का कलर चेंज होने लगा है और लगातार चलाते हुए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भुनना है। तो बेसन भुनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से बेसन को भुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और बंद करने के बाद भी इसे हमें कढ़ाई में चलाते रहना है, कढ़ाई में छोड़ना नहीं है। बेसन को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बेसन को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। और अब हमें दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है, सूखा नारियल। तो यहाँ पे हम इस लड्डू के लिए सूखे नारियल का ही इस्तेमाल करेंगे, बाजार वाली डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लेंगे। जो बाज़ार में सूखा नारियल पाउडर मिलता है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इसी नारियल का इस्तेमाल करेंगे, यही घी की कमी को पूरा करेगा। तो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे ये नारियल घी की कमी को पूरा करेगा। तो पहले इस नारियल को हम आधा काट लेंगे, आधे नारियल का ही हमें इस्तेमाल करना है। और यहाँ मैंने नारियल को 2 टुकड़े में काट लिया है और अब इसमें से आधे नारियल का हम इस्तेमाल करेंगे और नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हमें छील लेना है। इसी तरीके से हमें नारियल के ऊपर वाले छिलके को छील लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही आधे नारियल के ऊपर वाले छिलके को छील के रखा है, तो इसी नारियल को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे नारियल को हमें कद्दूकस कर लेना है, तो बारीक साइड वाले से हम नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से हमें सारे नारियल को बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब हम आगे के प्रोसेस को चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखा है गैस पे और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच पानी। और यहाँ पे हमें लेना है 1 कप गुड़, 2 कप बेसन है तो यहाँ पे हमें 1 कप ही गुड़ लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें मेल्ट कर लेना है। इस लड्डू को बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो अब हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है और अब हम गुड़ में एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ में उबाल आने लगा है, तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे गुड़ को हम 1 मिनट तक पकने देंगे। गुड़ को यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल ध्यान से गुड़ को हमें सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है। तो इसका ध्यान आपको रखना है यहाँ पे चाशनी बनाते वक्त। तो यहाँ पे 1 तार की ही चाशनी हमें बनानी है, ज़्यादा गुड़ को नहीं पकाएंगे, 1 मिनट तक ही पकाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 तार की चाशनी हमारी बन चुकी है, फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पे हमें लो ही रखना है। और अब हमें गुड़ में डाल देना है यहाँ पे
येलो फूड कलर, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और चाशनी में डाल देंगे हम कद्दूकस किया हुआ नारियल, और नारियल को चाशनी में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब चाशनी में हम नारियल को मिक्स करेंगे तो नारियल का जो ऑयल है वो रिलीज होता है और यही लड्डू में घी का काम करता है। तो चाशनी में हमें अच्छे से नारियल को मिक्स कर लेना है। चाशनी में नारियल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें डाल देना है भुना हुआ बेसन, और अब हम बेसन को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। चाशनी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी बिल्कुल बारीक कटा हुआ बादाम। यहाँ आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद और अब हमें लड्डू के इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा उतना ही रखना है जितना कि हाथ में लेके हम लड्डू बांध सके। तो यहाँ पे देखिए लड्डू का मिश्रण थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब हम लड्डू बांध सकते हैं। तो आपको जितना बड़ा या छोटा लड्डू बनाना हो मिश्रण में से उठाइए और लड्डू बांध लीजिए। हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल लड्डू है ये। जो लोग घी या चीनी नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लड्डू है ये। और हर त्यौहार पे हम कुछ ना कुछ मिठाई बनाते ही बनाते हैं, तो बेसन का लड्डू भी ज़रूरी बनता है। तो इस लड्डू को किसी भी त्यौहार पे आप बना सकते हैं। तो एक लड्डू को मैंने यहाँ पर बना लिया है और दूसरा लड्डू भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। और यहाँ पे दूसरा लड्डू भी हमारा बन चुका है और अब इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है, एकदम परफेक्ट हमारा ये बिना चीनी और बिना घी के लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो एक लड्डू को मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, एकदम परफेक्ट हमारा ये लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो आप भी किसी भी त्यौहार पे इस हेल्दी लड्डू को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना घी के ही कितना परफेक्ट हमारा सॉफ्ट लड्डू बना है। तो यहाँ पे मैंने घी की जगह पे सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है और इससे लड्डू हमारा एकदम सॉफ्ट बना है। तो आप भी इस लड्डू को किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद लड्डू है जो घी और चीनी नहीं खाना चाहते हैं। तो आप भी इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।